Hello students, today we will solve UGC NET Electronic Science December 2012 paper 3. So first question is, N-type silicon sample has a resistivity of 5 ohm centimeter at T equal to 300 Kelvin. तो आपको N-type का silicon sample दिया हुआ है, उसकी resistivity आपको given है, ठीक है, तो resistivity हम यहाँ पर show कर देते हैं, rho is equal to 5 ohm सेंटीमीटर, टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन, इफ मोबिलिटी इज म्यू एन, म्यू एन की वैल्यू आपको गिवन है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, और क्या गिवन है आपको, और आपको कुछ गिवन नहीं है, बट आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, देन डोनर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन इज, तो हम जानते हैं एन टाइप सिलिकॉन सैंपल के लिए कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है ND डोनर कंसंट्रेशन Q इनटू म्यू एन. तो यहां पर अगर आप देखें सिग्मा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1/5, ठीक है. अब ND आपको कैलकुलेट करना है, Q क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम, यह हमें पता होना चाहिए. म्यू एन आपको गिवन है 1350. तो अब अगर मैं यहां से एन डी सॉल्व कर लूं तो एन डी आपका हो जाएगा यहां पर 1/5 इंटू 1350 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है. तो एन डी अगर हम यहां से सॉल्व कर लें तो 1/5/1350/1.6/10^-19, तो ये आपका राउंड आता है 9.25 × 10^14. तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर मैच कर रहा है. तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका, बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते थे अगर आपको फॉर्मूला पता होता, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन अ जे फेट द एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस जी एम एंड डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस वी डी, जनरली हम रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं, यहां पर वी से शो किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर रिलेटेड एस, ठीक है. तो ये भी आपका ईडीसी एनालॉग का ही क्वेश्चन है. तो यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एम्पलीफिकेशन जो फैक्टर होता है वो होता है जी एम इंटू वी डी, ठीक है ना. आप सिंपल ये भी सोच सकते हैं ट्रांस कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी 1/ ओम, और वी डी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी ओम, तो ओम एंड 1/ ओम कैंसल हो जाएगा, तो म्यू जो होता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर यूनिट लेस होता है आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका ईडीसी एनालॉग का ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है. देखिए आपको एक सिंबल दिया हुआ है और आपसे पूछा है ये कौन से मॉस्फेट का सिंबल है, तो देखिए यहां पर ब्रोकन चैनल का सिंबल नहीं है, ये लाइन जो है ये ब्रोकन नहीं है, दिख रहा है आपको, ब्रोकन होती तो कुछ इस तरीके से होता, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इनहेंसमेंट मोड तो नहीं होगा, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री मॉस्फेट होने के लिए यहां पर आपका पी मॉस और एन मॉस दोनों होना चाहिए था, वो भी नहीं होगा, ठीक है. तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका पी चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट है, ठीक है, एनहेंसमेंट हो नहीं सकता, कॉम्प्लीमेंट्री हो नहीं सकता, और ये आपका मॉस्फेट का ही साइन है, ये आपको पता होना चाहिए, सिंबल है मॉस्फेट का, तो जे फेट तो होने का कोई चांस नहीं है, तो पी चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट, ठीक है, क्लियर है अच्छे से. और यही अगर एन चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट होता तो आपका एरो जो है वो अंदर की तरफ होता, ठीक है. तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है फॉर थर्ड क्वेश्चन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है आपका. आपको देखिए सिंपल सा यहां पर जेड पैरामीटर गिवन है, आप इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए क्योंकि आपसे पूछा भी लास्ट में डिटरमिनेंट ही है, ठीक है. तो अगर आप देखें 2, फिर जेड 12 क्या है 1, देन जेड 21 भी 1 है, जेड 22 है आपका 3. तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ एडमिटेंस मैट्रिक्स, ये बात आपको समझनी होगी, ये जो जेड दिया हुआ है ये इंपेडेंस मैट्रिक्स है, तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि जो एडमिटेंस मैट्रिक्स होता है वो आपका इंपेडेंस मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, ठीक है. तो हम सबसे पहले यहां पर एडमिटेंस मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, अगर आप ए का इनवर्स निकाल रहे हैं,
यहां पर आप z का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो adjoint of z divided by mod of z, तो adjoint of z 2 cross 2 का हमें पता होना चाहिए, primary diagonal को आप interchange कर दीजिए, तो 3 2, secondary diagonal जो 1 1 है आपका, उनके sign change कर दीजिए, ये निकल जाएगा आपका adjoint, ठीक है, mod, mod means determinant 6 minus 1, कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, clear है अच्छे से, तो ये आपका निकल गया matrix Y, ठीक है, तो ये basics हैं, maths के basics हैं, अगर आप सिंपल से गेट के 1 मार्क के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये बेसिक क्लियर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर अब आप देखिए जो आपका y है उसको अगर मैं प्रॉपर्ली अब लिख लूं तो ये हो जाएगा 3/5 -1/5 और क्या हो जाएगा -1/5 और 2/5 हमें पता है ना मैट्रिक्स में कुछ भी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो वो हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो हमसे पूछा है determinant of y तो कितना हो जाएगा देखिए 3/5 into 2/5 तो 6/25 ठीक है और माइनस क्योंकि माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस था तो एक और माइनस रहता है तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 1/25 तो ये आ गया आपका 5/25 दैट मींस 1/5 तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो गया तो ये क्वेश्चन जो था वो नेटवर्क का तो था ही लेकिन साथ-साथ में आप बोल सकते हैं मैथमेटिक्स का भी था मैथ्स का आपको मैट्रिक्स अगर आता तो ये बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते आपको सिंपल सा एक जेड पैरामीटर दिया था और आपसे वाई पैरामीटर जिसे हम एडमिटेंस पैरामीटर के नाम से जानते हैं उसके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा था तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपके लिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ नंबर इफ द ब्रांच इन एनी नेटवर्क हैज अ करंट सोर्स देन द Analysis is carried out by. देखिए यहां क्वेश्चन कहने का मीनिंग क्या है मैं आपको एक फिगर बना के समझाता हूं मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके का फिगर बना हुआ है यहां पर यह आपकी करंट सोर्स है तो कह रहा है कि इफ द ब्रांच हैविंग एनी करंट सोर्स ठीक है ये ब्रांच है ये करंट सोर्स कैरी कर रही है तो एनालिसिस आप कैसे करते हैं तो अगर आपने ऐसा कोई फिगर कभी देखा है आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो ये सुपर मैश से किया जाता है सुपर मैश से इसलिए किया जाता है कि सपोज करिए यहां पर अगर करंट i1 फ्लो हो रही होती यहां पे करंट i2 फ्लो हो रही होती और अगर आप केवीएल लगाने की कोशिश करते हैं लूप 1 या लूप 2 में तो देखिए लूप 1 में जैसे ही आप केवीएल लगाएंगे आपको रजिस्टर के अक्रॉस तो करंट इनटू रजिस्टर करके वोल्टेज मिल जाएगा वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस भी वोल्टेज गिवन होगा लेकिन जो ये आइडियल करंट सोर्स है ये जो करंट सोर्स है इसके अक्रॉस वोल्टेज आप कैसे निकालेंगे वोल्टेज निकालने के लिए या तो वोल्टेज गिवन हो या तो फिर वोल्टेज निकालने के लिए रजिस्टर के अक्रॉस करंट पता हो तो यहां पे तो सिर्फ करंट सोर्स है ना तो आप वोल्टेज निकाल ही नहीं सकते तो इस तरह का एनालिसिस जो है हम मैश एनालिसिस से नहीं कर सकते हम सुपर मैश से करते हैं तो सुपर मैश टेक्निक अगेन अगर आप थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे थोड़े बहुत कांसेप्ट स्टडी करेंगे गेट के और उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो सुपर मैश एक बहुत ही आसान टॉपिक है जिसे आप गेन कर सकते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट आप देखिए The transfer function of the RC low pass filter is, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से बनता है low pass R, C, वैसे तो direct transfer function भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको extra knowledge देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप खुद से भी इस question को अच्छे से समझ पाएं, तो आप देखिए RC network आपका इस तरीके से बनता है low pass, ये आपका input होता है, और ये आपका output होता है, ठीक है, तो VIT होता है ये इनपुट और V0T होता है आपका आउटपुट अब किसी भी सर्किट में जब C या L प्रेजेंट होता है तो हमें उसका लाप्लास लेना होता है क्योंकि C की यूनिट होती है फैरेड R की होती है ओम तो यूनिट सेम करने के लिए हमें सर्किट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होता है तो R का जो लाप्लास या R का जो इंपेडेंस होता है वो R ही होता है C का जो इंपेडेंस होता है या लाप्लास होता है वो क्या होता है 1/CS तो यहां पर आ जाता है आपका V0S तो जैसे ही आप 1/CS लेते हैं अब R की यूनिट भी ओम है और 1/CS की यूनिट भी क्या है आपकी ओम है तो अब आप अपना एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेशन अब आप कर सकते हैं तो अब अगर मैं V0S कैलकुलेट करूं मतलब 1/CS के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करूं तो ये क्या होगा VIS वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है देखिए ये जो इनपुट वोल्टेज है वो R के अक्रॉस और 1/CS के अक्रॉस डिवाइड हो रहा है
तो VIS जिसके अक्रॉस डिवाइड हो रहा है, जिसके अक्रॉस आपको चाहिए 1 by CS डिवाइड बाय टोटल, तो R plus 1 by CS, ठीक है ना, जिसके अक्रॉस चाहिए इनपुट को उससे मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड बाय टोटल इंपेडेंस। तो ट्रांसफर फंक्शन मतलब V0S अपॉन VIS जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1 अपॉन 1 plus RCS, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर B है वो करेक्ट होता है। और वैसे भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लो पास फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर जो मैंने अभी बनाया और हाई पास फिल्टर, उनके ट्रांसफर फंक्शन हमेशा माइंड में रखिए, ये बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट में काम आते हैं। वैसे हाई पास फिल्टर का होता है जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, RCS अपॉन 1 प्लस RCS, ठीक है। और अगर आपको हाई पास ड्रॉ करना है तो R की जगह C लगा दीजिए, C की जगह R, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बाइसिंग इज डन इन क्लास ए मोड 2। ये पूछ रहा है कि बाइसिंग क्यों की जाती है क्लास ए मोड में। तो पहला आपको दिया है सेव पावर, नहीं सेव पावर के लिए तो नहीं की जाती है। सेकंड है इंप्रूव स्टेबिलिटी, यस बाइसिंग हम करते हैं क्लास ए में टू इंप्रूव स्टेबिलिटी, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है रिड्यूस द नंबर ऑफ सोर्सेस, यस हम नंबर ऑफ सोर्सेस को भी रिड्यूस करने के लिए बाइसिंग परफॉर्म करते हैं क्लास ए मोड में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो सकता है और सी भी। तो यहां पर डी में दिया ही हुआ है बोथ बी एंड सी, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्योर थ्योरी क्वेश्चन था, अगर आपको थ्योरिकल नॉलेज होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस क्वेश्चन में आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एनालॉग कंप्यूटेशन वी यूज, एनालॉग कंप्यूटेशन में हम क्या यूज करते हैं हमें पता होना चाहिए, हम इंटीग्रेटर यूज करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर है इसका ओनली इंटीग्रेटर, ठीक है ना। तो एनालॉग कंप्यूटेशन में वी यूज ओनली इंटीग्रेटर, तो 8 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ 9th क्वेश्चन, अगेन ये आपका एनालॉग सर्किट का क्वेश्चन है। देखिए ओपैम दिया हुआ है आपको एक, और इसमें दिया है टू ऑप्टेन द 30% फीडबैक फैक्टर फॉर द सर्किट शोन बिलो, ठीक है। तो फीडबैक फैक्टर होता क्या है, देखिए जो आउटपुट साइड से आपका फीडबैक आ रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं ये जो फीडबैक आ रहा है ये है आपका VF फीडबैक वोल्टेज, और देखिए पूरा शॉर्ट है तो ये पूरा क्या हो जाएगा VF, और ये क्या है V0। तो जो फीडबैक फैक्टर होता है वो होता है VF अपॉन V0, जो आउटपुट से आउटपुट वोल्टेज V0 है आपका, और जो फीडबैक आ रहा है वो वोल्टेज क्या है VF, तो VF अपॉन V0 ये होता है आपका फीडबैक फैक्टर। तो यहां पर अगर मैं फीडबैक फैक्टर की वैल्यू निकालूं, तो VF की वैल्यू अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो VF क्या हो जाएगा आपका, देखिए VF हो जाएगा आपका V0 इंटू R2, ठीक है ना। आप सिंपली वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं, V0 इंटू R2 मतलब V0 जो वोल्टेज है, बेसिकली देखिए ध्यान से समझिएगा, जो VF वोल्टेज है वो एक्चुअल में देखिए था तो यहां पर, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहां भी होगा। अब विथ रिस्पेक्ट टू अ ग्राउंड देखें, अगर आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो VF वोल्टेज आपका R2 के अक्रॉस है, ठीक है ना, ये है आपका VF वोल्टेज। तो V0 जो वोल्टेज है बेसिकली वो R1 और R2 में डिवाइड हो रहा है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल अभी मैंने आपको बताया, क्या करना होगा आपको, जिसके अक्रॉस चाहिए उसे मल्टीप्लाई करिए, तो V0 इंटू R2 डिवाइड बाय टोटल मतलब R1 प्लस R2। तो जो आपका बीटा है फीडबैक फैक्टर वो आ जाएगा VF अपॉन V0 दैट इज R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर फीडबैक फैक्टर की वैल्यू कितनी दी है 30% मतलब 0.3। तो अगर आप देखें आपको रिलेशन R1 और R2 में बताना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा आसान बनाने के लिए, इसे हम लोग रिवर्स कर देते हैं, तो R1 प्लस R2 अपॉन R2 कर देते हैं, और ये 0.3 है ना, तो इसे हम कर देते हैं 1 अपॉन 0.3, तो ये कितना बन जाएगा 10/3। तो आप देखिए R1 प्लस R2 अपॉन R2 जो है वो 10/3 है, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप आ सकता है दोनों में, ये हम चेक कर लेते हैं। तो R1 प्लस R2 अपॉन R2, ठीक है ना, 10/3 आ गया आपका। तो इसे अगर और सॉल्व करूं मैं, तो इसे लिख सकते थे 1 प्लस R1 अपॉन R2, कितना आ गया आपका 10/3। तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 10/3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये आपका 7/3, ठीक है ना। तो R1 बाय R2 7/3 है, मतलब 3R1 इज इक्वल टू 7R2 है, देख लीजिए कहीं मिल रहा है,
यस ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स तो आपको करनी ही पड़ेगी, थोड़े बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको लास्ट की 5-6 वीडियो से जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यूजीसी नेट के पेपर के, मैंने आपको यही बोला है कि गेट के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, गेट के कंसेप्ट को यूज़ करिए, तभी आप ये बेसिक न्यूमेरिकल बहुत स्पीड से कर पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको IOL मैक्स दिया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है लॉजिक फैमिली से। IOL मैक्स दिया है 16 मिली एम्पियर, IIL मैक्स दिया है 0.0016 एम्पियर, फैन आउट लो पूछा है आपसे। बहुत आसान क्वेश्चन है, फैन आउट लो का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है IOL मैक्स डिवाइडेड बाय IIL मैक्स, तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा 16 मिली एम्पियर है, तो क्या लिख सकते हैं 16 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.0016, ठीक है। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 10, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, द आंसर विल बी 10, क्लियर है अच्छे से। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया, फैन आउट की वैल्यू आ गई आपकी 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये आपके लिए पार्ट 1 था यूजीसी नेट दिसंबर 2012 पेपर का, 11 क्वेश्चन से हम पार्ट 2 में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस 10 क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।